रोल भैया। नमस्कार नमस्कार, मैं आज आया हूँ। वापिस ले लीजिए। रेडी सर। नमस्कार, मैं हूँ के गोस्वामी और मैं आज आया हूँ हमारे परम मित्र अमरीश सिंह जी के गृह प्रवेश पर इन्हें शुभकामना देने के लिए। अमरीश सिंह जी पूरी इंडस्ट्री जानती है कि कितने कर्मठ हैं, कितने कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और ऐसे कर्मठ पुरुष को एक घर स्वयं का खुद का घर प्राप्त होना बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही कर्मठ लोगों को ये मेहनत की कमाई का घर है, बूंद बूंद से इन्होंने घरा भर के तब इन्होंने ये घर लिया है। तो इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर करे ये हमेशा ऐसे ही तरक्की करें। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने झंडा गाड़ा हुआ है, भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। अभी ये भोजपुरी फिल्मों में स्टारों की गिनती में आ चुके हैं। मैं इन्हें बहुत सारी बधाई देता हूँ। और इसी तरह ये एक घर से दो घर, चार घर, पांच घर बनाते रहें और स्टारडम की ऊंचाइयों को छूते रहें। आप और अमरीश जी एक साथ कोई फिल्म किया है? बहुत सारी फिल्में हमने साथ में की है, जैसे लव मैरिज किया है और उसके बाद राजमहल किया है, अगुआ किया है, दरदिया ये बालम और एक और नाग नागिन। इनकी कोई हंसी चुलबुली बातें जो आप तो लाइफ टाइम याद रहे? एक्चुअल के गोस्वामी देखने में हंसी चुलबुली वाला है, लेकिन एक्चुअल चुलबुला मैं अमरीश जी की बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। मैं बोल रहा था कि के गोस्वामी देखने में चुलबुला दिखता है, लोगों को कॉमेडी लगता है, पर असली देखने में अब जब ये अमरीश सिंह जब आते हैं तो वहाँ से हंसी का पिटारा फूलता है। तो ये वो शख्स हैं जो रोते को हंसा दे और हर सेट पर पॉजिटिव माहौल बनाए रखते हैं। और बहुत सारी घटनाएं इनके साथ हैं हमारी, बहुत सारी यादें हैं। कई बार सिगरेट पी जाते हैं, कई बार हमारी मिठाइयाँ खा जाते हैं, वो तो वाकया तो भूल जाते हैं। कई बार मैं पान रखता हूँ बड़े संभाल के। वो गाना जो सुनाई जो आप दोनों के बीच गाड़ी में था, वो कौन सा गाना था? पान कभी खा ले मैं अपने लिए, हमने सोचा सर वो कितने के भी। एक मिनट, अभी तक कोई काम नहीं किया है, आगे एलपीजे के साथ काम करने की इच्छा है। बहुत सारी हीरोइनें कहती हैं अपना फिल्में कर रही हूँ और मुझे तकलीफ होता है, मुझे तकलीफ होती है कि मैं भी बोलूँ कि मैं भी पिंडू जी की फिल्में कर रही हूँ। तो ये पिंटू जी हैं और हमारे सबको शुभकामनाएं देने के लिए सब आए हैं। काबड़ा जी आपने इसके लिए शुभकामना भेजा है, भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनिल काबड़ा जी ने इनके लिए शुभकामनाएं भेजी है और भोजपुरी के सभी सुपर स्टारों ने इनके लिए शुभकामनाएं भेजी है। सभी लोगों ने बोला है, आप अवधेश मिश्रा जी ने कहा है अमरीश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं दे दीजिएगा, मैं आके वो सब लोग आके इनसे स्पेशल अलग अलग मिलेंगे। सब अलग अलग जगह शूटिंग कर रहे हैं, सब कहीं 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 ना कहीं व्यस्त हैं और मैं जिसके साथ व्यस्त हूँ वो घर की पूजा गृह प्रवेश कर रहा है। इसलिए अच्छा, अभी दिल्ली में चुनाव का मौसम है, मनोज भैया हैं, क्या लगता है आप केजरीवाल को हरा पाएंगे? क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? कहाँ आप चुनाव में चले गए? नहीं, एक भोजपुरी का इंडस्ट्री का जो आज आपको लगता है कि दिल्ली के सीएम पद का उम्मीदवार है, क्या वो सीएम बन सकते हैं? 100% सिर्फ मनोज तिवारी ही बनेंगे, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। केजरीवाल जी को लोग ऐसे उठाकर निकाल देंगे। केजरीवाल जी ने जिस तरह पब्लिक को धोखा दिया है, छोड़िए अब मेरे से कंट्रोल हो जाऊंगा मैं, बहुत सारे मैं नीचे लिख लिख के आएंगे गालियां। एक लास्ट सवाल, सिंगर तूफानी लाल यादव जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
सुफानी लाल यादव जी सिंगर हैं। कहाँ? एक्चुअल मैं आपकी जगह मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने फेसबुक पर देखा था ऐसा कुछ हुआ है। बहुत सारे लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, उसका हेल्पलाइन नंबर कुछ दिया हुआ है। आज आपने मुझे याद दिलाया, तो कल सुबह मैं भी ट्रांसफर करूँगा। थैंक यू सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.